नमस्ते सस्री अकाल, केम छो तमी? मजा माने कशे आहात तुम्ही? मजेत ना? माझ्या सर्व महाराष्ट्रातील लोकांना महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि कामगार दिनाच्याही हार्दिक शुभेच्छा। आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ शिव छत्रपति स्टैंडर्ड 4 एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2। तो इसमें का मैंने फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं। अभी हम लोगों का सेकंड लेसन वर्क ऑफ द सेंस, मेरा दो पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल में। आज मैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देने वाली हूँ आप लोगों को। बहुत ही बेचैनी से इंतजार था ना आप लोगों को? ओके, चलो फिर, अभी इंतजार हुआ ख़त्म। अब मैं अपलोड कर रही हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेकिन इसके पहले जो बच्चे पहली बार आज मेरा ये चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरे अगले वीडियोस है वो आप लोगों के स्टडीज़ के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को मेरे पहले अपलोड किए हुए वीडियोस भी मिल जाएंगे जो सारे सब्जेक्ट्स के मैंने अपलोड किए हुए है। ओके, और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? ओके, और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, लाइक बहुत कम हो रहे हैं आप लोगों के। ओके, जितने व्यूज उतना लाइक तो होना ही चाहिए ना, तो भूलना मत बिल्कुल भी लाइक करने के लिए। मुझे पता है आप लोग खो जाते हैं मेरे वीडियोस देखने में, इसके लिए लाइक करना भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। ओके, चलो फिर मैं शुरू कर रही हूँ आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सप्लेन करना। तो इस लेसन में हम लोगों ने सीखा है संत लोगों ने क्या क्या कामगिरी की है। संत चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम और समर्थ रामदास। तो इनके अलावा भी बहुत सारे संत हैं, उन्होंने बहुत सारी कामगिरी की है, लेकिन आप लोगों को इसका डिटेल धीरे धीरे अगले लेसन्स में आएगा। ओके, और यही आप लोगों को रिपीट होने वाला है आप लोगों के अगले स्टैंडर्ड्स में भी। तो बहुत ध्यान से पढ़ना और पक्का कर लेना अपनी पढ़ाई, ताकि अगले साल आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो अभी ये है एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विट्ठल। तो संत नामदेव जो थे वो विट्ठल भगवान के भक्त थे। तो इसका आंसर ये ए देखो है, संत नामदेव के बारे में सवाल पूछा है तो आंसर हम लोग को मिलेगा संत नामदेव में ही। तो सीधा खोलने का संत नामदेव, उसी में इसका आंसर मिलेगा। तो ये रहा ग्रेट डिवोटी ऑफ विट्ठल। मिल गया आपको आंसर? गुड, वेरी गुड। बी, एट अ वेरी अर्ली एज एट आलंदी नियर पुणे ज्ञानेश्वर टुक समाधि। अभी ज्ञानेश्वर के बारे में हम लोग को पूछा है उन्होंने, तो हम लोग सीधा जाएंगे संत ज्ञानेश्वर के हेडलाइन पे। ओके, हेडिंग यहाँ पर है ज्ञानेश्वर, तो उनके बारे में सारी जानकारी इनके हेडिंग में ही है। तो यहाँ पर है ये, देखो है ना, ज्ञानेश्वर टुक समाधि एट वेरी अर्ली एज एट आलंदी नियर पुणे ज्ञानेश्वर टुक समाधि है। जवाब आपका लेसन में ही। ओके, नेक्स्ट सी, संत तुकाराम ड्राउंड इन द रिवर इंद्रायणी ऑल द रिकॉर्ड ऑफ लोन पेपर्स एंड लोन पेपर्स ही हैड। उनके पास जो भी लोन पेपर्स थे उन्होंने इंद्रायणी नदी में बहा दिए थे। ये देखो इधर ही है इसका आंसर। रामदास स्वामी जी यहाँ पर है, इसका पीछे है हेडलाइन संत तुकाराम, लेकिन ये पन्ना पलटने के बाद हम लोग को फर्स्ट लाइन ही दिखता है यहाँ पर। ठीक है, का आंसर है इंद्रायणी। फोर डी, टू पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ समर्थ रामदास रेज द टेम्पल्स ऑफ हनुमान। ये रहा शक्ति में कितना ताकत है वो बताने के लिए उन्होंने हनुमान के मंदिर जगह जगह पर खड़े किए थे। ओके, हो गया हम लोग का
फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन आप लोगों को एग्जाम्स में सिर्फ इन्हीं चार में से कोई भी एक पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी का जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। आप लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज में से ही सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को लेसन्स में से सवाल पूछे जाएंगे। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने लेसन सिखाते समय भी दिया हुआ है ये एग्जांपल आप लोगों को। तो डैश वॉज हीज रियल नेम बट डैश वॉज समर्थ रामदास रियल नेम। तो क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? नारायण। नारायण वॉज समर्थ रामदास रियल नेम। ओके, तो इस तरह से आप लोग को लेसन्स में से फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को लेसन रीड करना कंपलसरी है। अभी सुस्ती करके नहीं चलेगा। पहले क्या होता था, सिर्फ एक्सरसाइज में से ही सवाल पूछे जाते थे, तो तुम लोग कैसे तोते की तरह रट्टा मार के रखते थे, टाइ 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 टाइ, ये सवाल का ये जवाब, भले उसका मीनिंग पता चले या नहीं चले। वैसे आप लोग की मेमोरी बहुत शार्प है, रट्टा मार के तो सब याद कर लेते आप लोग। अभी तो मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप लोग, तो आपको समझ रहा है लेसन। तो अभी मेरे बच्चे रट्टा नहीं मारेंगे और वो समझ कर ही क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, टू राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। ए, व्हाट डिस्क्रिमिनेशन डिड श्री चक्रधर स्वामी नॉट बिलीव? किस भेदभाव को चक्रधर स्वामी नहीं मानते थे? तो हम जाएंगे सीधा श्री चक्रधर स्वामी के हेडलाइन जहां पर है वहां पर। ओके, क्योंकि हम लोगों को इसका आंसर यही मिलने वाला है। तो यहां पर दिया देखो, ही डिड नॉट बिलीव एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। आपको मैंने लेसन जब एक्सप्लेन किया है, मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, तो लेसन जरूर देखना आप लोग। और यहाँ पर ही की जगह पर आप लिखोगे श्री चक्रधर स्वामी डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। ओके, उसके बाद बी, व्हाट डिजायर डिड संत नामदेव इंस्टिल अमोंग द पीपल? संत नामदेव ने लोगों के मन में कौन सी इच्छा जगाई? तो हम जाते हैं हेडलाइन संत नामदेव के ओर। तो संत नामदेव वॉज ग्रेट डिवोटी ही न्यूमरस। तो इसका आंसर हमें पीछे मिलेगा। यस, ये देखो यहां पर है, ही के जगह पे आप लिखेंगे संत नामदेव। ओके, संत नामदेव इंस्टिल्ड इन पीपल, क्वेश्चन को रिलेटेड ही आंसर लिखना है, द डिजायर टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजियन। ओके, सी, व्हाट एडवाइस वॉज रेंडर्ड बाय संत एकनाथ? संत एकनाथ ने कौन सा एडवाइस दिया था लोगों को? तो हम लोग जाएंगे सीधा संत एकनाथ हेडलाइन में। तो संत एकनाथ एडवाइस टू द पीपल वॉज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो। ओके, गुड, बहुत जल्दी समझ जाते हैं आप लोग। डी, व्हाट मैसेज वॉज प्रोपेगेटेड समर्थ रामदास? तो समर्थ रामदास जी ने कौन सा मैसेज प्रोपेगेट किया हुआ था लोगों के अंदर? तो समर्थ रामदास टॉट देम टॉट पीपल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। ओके, गुड। थ्री, गिव आंसर्स इन थ्री और फोर सेंटेंसेस। आंसर आपको लिखना है तीन या चार सेंटेंस में। ए, व्हाई डिड संत ज्ञानेश्वर लॉक हिमसेल्फ इन हीज हट? तो संत ज्ञानेश्वर ने अपने आप को झोपड़ी में क्यों बंद कर लिया था?
तो उसका जवाब हमें मिलेगा संत ज्ञानेश्वर में। है यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर? तो यहाँ पर है इसका जवाब 1st Nyaneshwar went begging for the word. No one would give him any alms. He had to listen the advice abusive language instead. इसके लिए वो हर्ट हो गए। संत ज्ञानेश्वर was deeply pained by this incident. He entered his hut and locked the door from inside to grieve over his lot. Okay? तो ये है इसका आंसर। हंसना मत तुम लोग। ओके, नाउ बी, व्हाट मैसेज डिड संत तुकाराम गिव? संत तुकाराम ने क्या मैसेज दिया लोगों को? तो हम जाते हैं संत तुकाराम की तरफ। संत तुकाराम preached to the people about the virtues of pity, forgiveness and peace of mind. He also gave them the message of equality. He alone is a saint and God dwells with him who calls the weak and the downtrodden as his own. तो इस तरह का जो impression था उन्होंने he impressed this truth on the minds of the people. यहाँ तक लिखना ये आंसर, ठीक है? तो इस तरह से संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को समझ दी थी, सीख दी हुई थी, मैसेज दी हुई थी। ओके, तो उसके बाद कुछ है एक्टिविटी शायद, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ सेंट्स। ये तो स्कूल में से टीचर देगी आपको। अदर देन दोज इंक्लूडेड इन दिस लेसन एंड बिलो द पिक्चर्स राइट देयर थॉट्स। ओके, तो इस तरह का आपको प्रोजेक्ट वर्क दे सकती है आपकी स्कूल टीचर अगर स्कूल चालू हो जाएंगे तो। ओके, लेकिन आप लोगों भी घर पे बैठ बैठ के आपने पढ़ाई शुरू की है और पेरेंट्स लोग भी आप लोगों के ऊपर पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं आपके पढ़ाई के ऊपर। देख रहे हैं इस बार का रिजल्ट आप लोग का एकदम मस्त होने वाला है, ठीक है? सब मेरिट लिस्ट में कैसे आ गए करके सब लोग पूछेंगे, तो फिर बताना कि हम लोगों ने शालिनी हुबलीकर चैनल देख के पढ़ाई की थी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरह से हम लोग के क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं और आप लोग शुरू हो जाइए लिखने के लिए। बुक लीजिए और पेन लीजिए और लिखने को शुरू कर दीजिए। पेन नहीं है आप लोगों को तो पेंसिल लेके, अगर आपको स्कूल में लिखा रहे तो पेंसिल लेके लिखना, नहीं तो फिर बोलेंगे मम्मी पापा को कि टीचर ने बोला है पेन से लिखने के लिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग का ये जो सेकेंड लेसन था वर्क ऑफ द सेंट एक्सप्लेन करके भी हो गया है। उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने आप लोग को दे दिए हैं। लेकिन आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो उन लोगों को प्लीज़ फॉरवर्ड करना मेरे वीडियोस, ताकि उन लोग का भी पढ़ाई हो सके घर में बैठे बैठे, ठीक है? उनके मम्मी पापा जब देखेंगे उनको दिखाएंगे तो वो बच्चे भी घर में बैठकर पढ़ेंगे। और हर वीडियो के साथ मैं भेजती हूँ आप लोगों को सारे लेसन्स के स्नैप्स और क्वेश्चन और आंसर्स के भी स्नैप्स भेजती हूँ। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।